बल्लभगढ़ के निर्दलीय प्रत्याशी राव राम कुमार ने कल नामांकन दाखिल कर दिया और उनकी नामांकन रैली में भी पहले की तरह काफ़ी भीड़ नजर आई। इस दौरान लोग मंत्री मूलचंद शर्मा के काम से काफ़ी नाराज दिखे और राव राम कुमार को समर्थन दिया। देखिए मायूष है भाई, ये तो बहुत बड़ी नामांकन रैली लग रही है। बहुत बड़ी रैली है और विधायक जीतने वाली रैली है। अगले विधायक हैं बल्लभगढ़ के राव राम कुमार जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं निर्दलीय विधायक, उसके बावजूद इतनी भीड़, पूरा चक्का जाम। एक भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ की लड़ाई है जो बल्लभगढ़ लड़ रहा है और हम जीतेंगे इसको। अगर राव राम कुमार जीतेंगे तो मंत्री जी का क्या होगा? मंत्री जी का कुछ नहीं होगा, मंत्री जी होटल देखेंगे, जो धड़ाधड़ धड़ाधड़ होटल पे होटल बनाए जा रहे हैं, 10 होटल 20 होटल 30 होटल। ये जनता जो परेशान है वो राव राम कुमार जी को जिताएगी। वो तो कहते हैं हमने 10 साल में बल्लभगढ़ को चमका दिया और आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। मैं गौर से देखना चाहूँगा आपकी चमकाहट को, कैमरा उधर देखें आप एक बार, इस माहौल को देखें, चमकाहट को, ये गंदा पानी देखें, माहौल देखें, टूटे हुए पेड़ देखें, आप देखो इस चमकाहट को, क्या चमकाहट है। क्या मंत्री मूलचंद शर्मा झूठ बोलते हैं? झूठ तो बोलते हैं, चक्कर ये है ना कि वो बल्लभगढ़ में आए, जब तो बल्लभगढ़ का हाल देखें, उन्हें फुर्सत ही नहीं 11 सेक्टर बैठने से, 2 सेक्टर बैठने से। बल्लभगढ़ में आएंगे जब बल्लभगढ़ की जनता का हाल जानेंगे। हमारे विधायक जी यहीं रहते हैं बल्लभगढ़ में, अहिरवाड़े में, कोई भी परेशानी हो हम तुरंत पहुँचते हैं और हमारा काम होता है। अब तो ही विधायक मान लिए हो? बिल्कुल विधायक मान लिए, सारी जनता ने विधायक मान लिया है। आप युवा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंत्री मूलचंद शर्मा है, एक नंबर का भ्रष्ट नेता है, ये सिर्फ बीजेपी के अटैक की वजह से हमेशा जीतता आया है 2 बार से, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता भी ये वाली गलती दोबारा नहीं करेगी कि इस तरीके से ऐसे वोट देगी। इस बार मूलचंद शर्मा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उनके जितना भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। मर्डरर्स का सपोर्ट करता है, वो रेपिस्टों का सपोर्ट करता है, एक नंबर का। और सारी चौकियों में अपने दलाल एक्टिव कर रखे हैं मूलचंद शर्मा ने, इधर से उधर हर चौकी में उसके दलाल हैं। बिना तुम रिश्वत ये काम नहीं कर सका सकते बल्लभगढ़ में। हाँ जी, मैं पूरी हिस्ट्री निकाल दूंगा इनकी। एक दूध बेचने वाला 10-10 होटलों का मालिक कैसे बन सकता है 10 साल के अंदर? 10-10 होटलों का मालिक एक दूध बेचने वाला कैसे बन जाएगा? कोई दुनिया की ताकत बता दो, कोई ऐसा व्यापार बता दो जो ऐसा दूध बेचने वाला एक 10-10 होटलों का मालिक बन जाए। सारा भ्रष्ट है ये। मनोहर लाल की जो सरकार है वो अपना जितना भी डोनेशन है यहाँ पर फरीदाबाद में मूलचंद शर्मा को देती है। तो इस बार बल्लभगढ़ विधायक कौन बन रहा है? राव राम कुमार जी बनेंगे, और कौन बनेगा? बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे।